तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेस्ट ऑफ राइस। ठीक है, लेकिन पेस्ट ऑफ राइस में भी कौन से जो हम पेस्ट को पढ़ने वाले हैं वो है हमारे माइनर पेस्ट को। तो आपने इससे पहले मेरा जो लेक्चर नंबर 28 है एंटोमोलॉजी का, उसमें भी देखा था, हमने डिस्कस किया था माइनर पेस्ट ऑफ राइस को। लेकिन वो जो कैटेगरी थी वो फॉलिएज को डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी फॉलिएज को खत्म नहीं करती है। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो माइनर पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो ऐसे पेस्ट है राइस के जो फॉलिएज को, यानी फॉलियर लीव्स वगैरह को क्या करते हैं, उसको यानी फॉलियर डैमेज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या पढ़ना है इस लेक्चर नंबर 30 में। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकता है। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो, वहां पे आपको हमारी रेगुलर क्विजेज और हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। साथ साथ हमने एक ऐप बनाया है, जीएफए एजुकेशन ऐप, जहाँ पे हमने सारे 4 ईयर कोर्स यानी बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी कोर्सेज हैं उनकी सारी पीडीएफ जो हैं, यानी जो नोट्स हैं, उनको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे ऐप में दिया है। साथ साथ आपको जो एग्रीमून के जो 49 बुक्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो भी वहां पे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमने कुछ कोर्सेज के हैंड नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं वहां पे, तो आप हैंड नोट्स भी वहां डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे जो आती हैं, वो वहां पे आपको एक सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में आपको वहां पे मिल जाएंगी। मतलब आपको हमारे लेक्चर्स के लिए यूट्यूब ऐप नहीं खोलना पड़ेगा। सारे लेक्चर्स जो हैं, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस को अपडेट करते हैं, वो साथ साथ ऐप में भी अपडेट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो है पेस्ट ऑफ राइस। तो पेस्ट ऑफ राइस में मैंने बता दिया कि जनरली हमने बोरस पढ़ लिया था, तो बोरस नहीं कह के मैं यहाँ बोलूंगा कि फॉलिएज ईटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मतलब जो हमारे लीव्स वगैरह को खराब करता है, यानी जो क्या करता है, डायरेक्ट वो क्या करता है, लीव्स वगैरह को खा जाता है, या फिर लीव को क्या करेगा, ब्रेक डाउन, यानी लीव्स जहां से अटैच है प्लांट से उनको ही यहाँ से ईट कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीव जो है ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो माइनर पेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला है ग्रास हॉपर, दूसरा है शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर, फिर थर्ड है ब्लू बीटल, फिर फोर्थ नंबर पे है राइस रूट वीविल वन, फिर है राइस रूट वीविल टू, और लास्ट पढ़ेंगे राइस रूट ग्रब। और साथ साथ हम फिर पढ़ेंगे कि आईपीएम हम कैसे करते हैं राइस क्रॉप का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं राइस क्रॉप का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट, वेरी फर्स्ट माइनर पेस्ट के साथ, जो है ग्रास हॉपर। ठीक है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्थोप्टेरा। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने जनरली देखा होगा, इसी के एक टाइप का होता है लोकस्ट, जो 2020 में इंडिया में, और इवन कहने का मतलब है एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में, इसने बहुत ही क्रॉप डैमेज किया था। ठीक है, तो अगर हम ग्रास ऑपर को देखते हैं तो आप देख के एडल्ट को तो ऐसे पहचान सकते हो। इवन इनके निम्स, यानी जो छोटे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मतलब इनमें एक लार्वा प्यूपा एडल्ट नहीं होता है, इनमें निम्फ बनता है। ठीक है, अगर इनके डैमेज सिम्टम्स को बात के बारे में बात करें तो निम्स एंड एडल्ट्स कॉजेस इनॉर्मस लॉस टू द क्रॉप बाय चीविंग एंड कटिंग वेरियस प्लांट पोर्शन। ठीक है, जैसे वो लीव्स को कट कर देंगे, फ्लावर्स को, ग्रेन्स को, तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है इन प्लांट्स को लगाने का, वो तो खत्म हो जाता है। दे कंप्लीटली डिफोलिएट, डिफोलिएट मतलब तोड़ देना, मतलब फॉलिएज जो पार्ट है उसको डिफोलिएट कर देना, यानी रिमूव कर देता है लीव्स वगैरह को, यानी फॉलिएज पार्ट को रिमूव कर देता है। कंप्लीटली डिफोलिएज प्लांट्स लीविंग ओनली द मिड रिब। मिड रिब क्या है, जैसे मान लो ये हमारा लीफ है, तो इसका जो मेन जो रिब होता है उसको मिड रिब कहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट में रहता है। तो ये पूरे इस पार्ट को खत्म कर देता है वो, और सिर्फ मिड रिब बचता है इस प्लांट में। तो जिससे प्लांट ग्रोथ क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि जानते हैं फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके डैमेज सिम्टम्स हो गए। बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो एडल्ट्स आर ग्रीन लार्जर विथ ट्रांसवर्स ब्लैक लाइन लाइन्स ऑन द प्रोनोटम। ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट होता है ब्लैक कलर की। ठीक है, इट लेज एग इन द सॉइल डेप्थ एट 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये जो है सॉइल डेप्थ जो 5 सेंटीमीटर का है, मतलब बिलो द सॉइल सरफेस, वहां पे क्या करता है, अपने एग को ले करता है। ठीक है, निम्फल पीरियड जो है 2.5 से 3.5 मंथ का होता है। ठीक है, यानी निम्फ जो है वो इतने टाइम तक रहता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसका मैनेजमेंट, तो हमको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके एग्स को खत्म करो। तो एक्सपोज द एग्स टू बी पिक्ड अप बाय द बर्ड्स। ठीक है, आफ्टर प्लोइंग, मतलब अगर उनके एग को एक्सपोज करना है, नीचे है जमीन के, सॉइल के नीचे है, तो प्लो करो, और ट्रिमिंग द बर्ड्स। ठीक है,
एक पैरासिटॉइड यानी उनके एक को खत्म करने के लिए एक पैरासिटॉइड यूज करना है, ठीक है, जैसे है कैकेलस स्पीसीज, ठीक है, हम उनका यूज कर सकते हैं, उनका इंकरेजमेंट कर सकते हैं, यानी इनके इनको ज्यादा हम क्या करें यूज करें। डस्ट द क्रॉप विथ 5 to 10% ऑफ बीएचसी और मिथाइल पैराथियन, ठीक है, वो 2% यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो है स्प्रे डाइक्लोब डाइक्लोरोब्स 76 EC, ये सारे क्या है केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल या फिर कह सकते हैं फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, और ये जो है ये दोनों जो है वो है केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। आई होप आपको ग्रास हॉपर जो एक माइनर पेस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट जो पेस्ट है हमारा वो है शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर, जिसका जो ऑर्डर है वो भी ऑर्थोप्टेरा है। डैमेज सिम्टम बात करें तो निम्फ एंड एडल्ट फीड ऑन द लीव्स लीविंग द स्टॉक एंड मिडरिब। स्टॉक किसको कहते हैं, जिस चीज से लीफ जो है अटैच होता है मेन प्लांट बॉडी से, तो सिर्फ उसमें स्टॉक बचेगा, ये रीजन बचता है, और इसका जो बीच का मिडरिब रीजन है सिर्फ वो बचता है, बाकी और सब रीजन को क्या करते हैं ये खा जाते हैं। इरेगुलर फीडिंग ऑन सीडलिंग्स एंड कटिंग ऑफ स्टेम एट पैनिकल स्टेज आर द सिम्टम्स ऑफ डैमेज। मतलब पैनिकल जब निकल रहा है यानी जिस पे हमारा ग्रीन लगेगा, ठीक है, जो पैनिकल निकल रहा है उसको ही कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर इनको पहचानना है तो ग्रास ऑपर इज ग्रीन स्मॉलर विथ ब्राउन बैंड ऑन द साइड्स, साइड साइड में ब्लैक जो ब्राउन बैंड प्रेजेंट होंगे इनके बॉडी पे। एग्स आर लेड इन द सॉयल विच हैच आउट इन जून एंड जुलाई, मतलब इनका जो मेन जो हैचिंग का पीरियड है वो जून एंड जुलाई है, एंड मेच्योर एट अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो ये जो मेन है इनका मेच्योरेशन का है, और ये जो पीरियड है उनका हैचिंग आउट का पीरियड है। और इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें, एक्सपोज द एग ड्यूरिंग द समर, क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा लोकस्ट अटैक जब हुआ था तो कितने लोकस्ट क्या कर रहे थे, स्वार्म अपना बना रहे थे, तो उन स्वार्म्स को कंट्रोल करने का तरीका है कि इनको इनके जो एग्स हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करना। तो समर प्लोइंग करो ताकि उनके एग्स एक्सपोज हो जाए, ताकि एक्सपोज हो जाए और उनको क्या करें बर्ड्स जो है पिकअप कर लें, ठीक है। केमिकल कंट्रोल हम सेम जो हमने ग्रास ऑपर के लिए पढ़ा है वो करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है वो है ब्लू बीटल, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो है कोलियोप्टेरा। ये जो होते हैं मीडियम साइज स्टील ब्लू बीटल्स होते हैं, ऑफन फाउंड इन लार्ज नंबर्स ऑन राइस, ठीक है, जनरली राइस के ऊपर लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, बट इज हार्मलेस। इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है फिर भी ये हार्मलेस है, फिर भी इनको माइनर पेस्ट में रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है, एक लेवल से ऊपर हो जाएंगे तो प्लांट को यानी क्रॉप को हार्म करेंगे। एज इट ब्रीड्स ऑन कॉमन वीड, क्योंकि ये जनरली वीट के ऊपर ब्रीड करते हैं, ठीक है, सो इसीलिए जनरली जो वेटलैंड के जो वीट्स होते हैं उन पे ये ग्रो करते हैं। तो इनका जो है अगर इनको कंट्रोल रखा हमने पॉपुलेशन को, तो जनरली ये क्रॉप को लाइट डैमेज करते हैं, फिर भी मैंने माइनर पेस्ट में इसलिए पढ़ रहा है कि राइस क्रॉप को डैमेज करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है राइस रूट वीविल, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो है कोलियोप्टेरा। ये रहा राइस रूट वीविल, ठीक है, जनरली आपने इसको देखा होगा, ठीक है। अगर बात करें डैमेज सिम्टम तो इनके ग्रब्स होते हैं, ग्रब जो होते हैं फीड करते हैं रूट ऑफ राइस प्लांट, रिजल्टिंग इन स्टंटिंग एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ द टिलर्स। मतलब इसमें टिलर्स ही नहीं बनेंगे, टिलर्स मतलब ये जिस तरीके से आपने देखा होगा राइस क्रॉप ऐसे निकलता है ना, तो इनको हम टिलर्स कहते हैं, वो टिलर्स का ग्रोथ ही नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ डेड प्लांट्स इन लार्ज पैचेस इज अ टिपिकल सिम्टम, कहने का मतलब है डेड प्लांट्स पाए जाएंगे, जैसे अगर मान लो पूरा फील्ड एरिया है तो लार्ज पैच जो है यहाँ का पूरा प्लांट जो होगा डेड कर जाएगा, ठीक है, मतलब पैचेस के फॉर्म में कभी यहाँ कुछ डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो ये इनका सिम्टम है। अगर बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो एडल्ट विविल जो है इस साइनी ब्लैक विथ ऑबलॉन्ग बॉडी, ऑबलॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है, आप देखोगे इसका बॉडी जो है वो लंबा है इन कंपेरिजन टू दी अगर विथ इसके चौड़ाई के बारे में बात करें तो, ठीक है। कवर्ड विथ ग्रे स्केल, इनका जो स्केल होता है ग्रे कलर का होता है। द फीमेल लेग्स एग इन द सॉइल नियर द रूट ऑफ ग्रासेस, ठीक है, ग्रास के जो रूट्स रूट रीजन होता है यानी राइजोस्फेयर रीजन जो होता है वहां पे एक को लेकर आती है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 4 days। ग्रब इज क्रीमी व्हाइट एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक है ध्यान रखना है, एंड फीड्स ऑन द रूट हेयर्स, ठीक है, रूट रीजन में एग है वहीं से ये रूट हेयर से क्या करता है वो फीड करता है यानी प्लांट को डैमेज करता है, क्योंकि रूट हेयर का इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। द लार्वल पीरियड लास्ट फॉर 11 months, 11 month के लिए लार्वा इनका डेवलप करेगा, ठीक है। और द ग्रब ओवर विंटर इन दी सॉयल एट द डेप्थ डेप्थ ऑफ 25 to 30 centimeter। ग्रब का जो फॉर्मेशन होता है वो सॉयल डेप्थ 25 to 30 centimeter बिलो दी सॉयल सरफेस होता है आफ्टर सितंबर। इट प्यूपेट्स ड्यूरिंग मे, मे में प्यूपेशन होता है इनका यानी प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपल पीरियड 10 से 12 दिन का ही होता है।
तो ये इसके बायोनॉमिक्स हो गए। और डैमेज सिम्टम्स सेम फॉलिएज पेस्ट है, तो ये फॉलिएज को डैमेज करते हैं। रूट वीविल जो है हमारा नेक्स्ट है, और रूट वीविल जो हमने ये हमारा रूट वीविल सेकंड है, ठीक है, और ये भी कॉलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। इसका डैमेज सिम्टम क्या है, येलोइंग ऑफ न्यूली ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स, ठीक है, येलोइंग करेगा यानी इनका क्लोरोफिल खत्म हो गया। प्रेजेंस ऑफ डेड प्लांट्स इन द लार्ज पैचेस, सेम सिम्टम है जैसे हमने यहाँ पढ़ा है। पूरे फार्म का कुछ कुछ एरिया क्या दिखेगा, पैचेस के फॉर्म में, कि वहां के पूरे प्लांट ही डैमेज कर चुके हैं, ये इसका डैमेज सिम्टम है। बायोनॉमिक्स इन्हें पहचानना कैसे, तो एडल्ट इज साइनी ब्लैक वीविल, ठीक है, यहाँ पे भी साइनी ब्लैक वीविल है, आप ध्यान दो, विद ऑब्लॉन्ग बॉडी सिमिलर टू दिस, ठीक है, कवर्ड विद ग्रे स्केल, ठीक है, सिमिलर टू दिस। ग्रब इज क्रीमी व्हाइट एंड एक्वेटिक। तो इनमें बस इतना ही डिफरेंस है कि हम इन वीविल्स को दो कैटेगरी पढ़ते हैं। आप इन दोनों का साइंटिफिक नेम भी देख रहे हो, ये दो अलग अलग हैं, सिम्टम सेम है, दिखने में भी सेम होते हैं, ठीक है, हो सकता है इनका बायोलॉजिकल लेवल या फिर माइन्यूट लेवल पे डिफरेंट होते होंगे, ठीक है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना है, मेरा हमें इनके पेस्ट को पहचानने आना चाहिए। तो वीविल आप पहचान सकते हो, चाहे वो रूट वीविल 1 हो या फिर रूट वीविल 2 हो। और जो हमारा लास्ट पेस्ट है वो है राइस रूट ग्रब, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो है कॉलियोप्टेरा। डैमेज सिम्टम बात करें तो दे फीड ऑन रूट्स एंड कॉज येलोइंग, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड ग्रेजुअल विल्टिंग, सूख जाएगा प्लांट, ठीक है, और इंटायर प्लांट फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्लांट ही सूख जाएगा, यानी विल्टिंग हो जाएगा उसका, ठीक है, इंटायर प्लांट का विल्टिंग हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी इसमें कुछ ग्रेन्स आएंगे ही नहीं। बायोनॉमिक्स ब्लैक कलर्ड साइनी बीटल, ठीक है, तो हमने टोटल जो पेस्ट है उनको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अभी तक का जो टॉपिक हमने जितने पेस्ट डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, यानी आईपीएम ऑफ राइस। तो हम जानते हैं आईपीएम में हम कल्चरल मेथड यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, फिजिकल मेथड यूज करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं, तो सारे मेथड्स को हम आईपीएम में लगाते हैं, ठीक है, यानी आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और इसमें हम इंटीग्रेटेड जितने मेथड्स हैं उनको साथ साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कल्चरल मेथड के बारे में बात करें तो रिमूव एंड डिस्ट्रॉय डिस्टर्बेंस आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है, ये पूरे मैं लेक्चर नंबर 29 के भी जो पेस्ट है उनको भी कंसीडर करके बता रहा हूँ कि उनको और जो माइनर पेस्ट है उनको भी कंसीडर करके बता रहा हूँ, यानी लेक्चर नंबर 27, ठीक है, 28, 29 और 30, ये जो चार लेक्चर्स हैं इनमें हमने जो जो पेस्ट पढ़े हैं उन सब के कंट्रोल में हम इसे यूज करते हैं, यानी कल्चरल मेथड में रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्ट एंड कीप द फील्ड फ्री फ्रॉम वीड, वीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीड जो है समटाइम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करते हैं, इसीलिए सेकेंडरी होस्ट को हमें रिमूव करना है। ट्रीम एंड प्लास्टर द बर्न्स ऑफ द राइस फील्ड, ठीक है, टू एक्सपोज द एग्स ऑफ द ग्रास हॉपर, ठीक है, फॉर्म द बर्न्स नैरो एंड सॉर्ट टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ द बाय द रोडेंट्स, रोडेंट भी एक पेस्ट है तो इससे भी डैमेज ना हो। यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज, हमने तो जनरल पढ़ाई है, ठीक है, प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज, ठीक है, वाटर स्टैग्नेंसी ना हो, ठीक है, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ बीपीएच, ठीक है, ये क्या है, ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, जो ड्रेनेज है उसको इफेक्टिव रखना है, स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। क्लिप द टिप ऑफ सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग टू प्रिवेंट द कैरी ओवर ऑफ द एग मासेस, ठीक है, ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज प्लांटिंग वेन एवर पॉसिबल, सिंक्रोनाइज प्लांटिंग करो ताकि हमें वीट कंट्रोल करने में इजी हो और वीट पे जो प्रेस लगे उनको कंट्रोल करने में इजी हो। लीव 30 सेंटीमीटर रूग स्पेस एट एवरी 2.5 मीटर टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ बीएचपी सॉरी बीपीएच एंड रोडेंट्स। अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ये हमने पढ़ाई है। यूज ऑफ इरीगेशन वाटर जुडिशियसली, ठीक है, कहीं कहीं पे हमने पढ़ा है कि इसमें केरोसिन भी मिला देते हैं, ठीक है, ताकि जो प्यूपा है और लार्वा है वो सफोकेट करके वाटर सरफेस पे आ जाए, उनको बर्ड्स पिकअप कर ले। रिमूव द एग मासेस फ्रॉम स्टेम बोरर्स इन द मेन फील्ड, तो ये हमारा कल्चरल मेथड है और सारे मेथड्स को हमने अलग अलग पेस्ट के अंदर पढ़ लिया है, तो आई होप आपको ये टॉपिक इजिली समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, ठीक है, वन मिनट, मैकेनिकल मेथड्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, डिग आउट दी रैट बरोस एंड डिस्ट्रॉय दी रैट्स, रैट भी एक क्या है, पेस्ट है, ठीक है, तो इसको डैमेज करने के लिए, मतलब रैट वहां पे ना आए। यंग, एक मिनट मैं इसे रब कर देता हूँ पहले, ठीक है, वेट, ठीक है, तो हम जनरल जो बात कर रहे हैं कि जो रैट्स हैं उनको क्या करना है, वो मतलब रैट के जो बरोस हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। सेट अप लाइट ट्रैप्स, ठीक है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द पेस्ट, ठीक है, उनके हमको पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा, ठीक है, कितने हो रहे हैं, इसलिए हमें ट्रैप लगाना चाहिए। सेट अप बो ट्रैप्स टू किल द रोडेंट्स, ठीक है, तो हमें रोडेंट्स को किल करने के लिए बो ट्रैप भी लगाना चाहिए।
अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में तो रिलीज ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम राइस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है, आफ्टर 30 डे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइकोग्रामा अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे ट्राइकोग्रामा जो है चिलोनिस लिखा हुआ है ऑन 35, 44 एंड 51 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, 3 बार हमें देना पड़ता है, ठीक है, अगेंस्ट लीफ फोल्डर। ये हमने पहले जो पढ़ा है वो स्टीम बोरर्स के लिए था। रिलीज प्लेटीगैस्टर और आईजी, ठीक है, ये हम अगर जनरली यूज करते हैं गॉल मिर्च के लिए। सेटअप आउल परचेज टू रिड्यूस दी रैट डैमेज, ठीक है, हमें आउल जो है वहां पे कुछ मतलब रखने चाहिए ताकि वो रैट वगैरह को क्या करें, खत्म कर दें, यानी रोडेंट्स वगैरह को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, या फिर कह सकते हैं आईपीएम इन राइस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो भी यूज करते हैं हम आईपीएम में, मतलब कंट्रोल करने के लिए। अब कौन कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, तो आप देखो जनरली स्प्रे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था बीटी के साथ भी हम लोग यूज करते हैं, एट द रेट 5%, यानी कह सकते हैं 25 kg पर हेक्टेयर, नीम ऑयल 3%, यानी 15 लीटर पर हेक्टेयर टू कंट्रोल द ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको हम लोग BPH बोला था अभी, ठीक है। स्प्रे बोटानिकल्स, ठीक है, बोटानिकल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे ये बोटानिकल्स बेसिकली क्या है, ये है प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से हमें ऑप्टेन होता है। तो ये दो मेथड है प्लांट प्रोडक्ट्स से कंट्रोल करने का आईपीएम मेथड में, और जो लास्ट है वो है केमिकल मेथड इन बीपीएच प्रोन एरिया, ठीक है, या फिर जहां पे बीपीएच का ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है, अवॉइड यूज ऑफ सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स, पैराथ्रॉइड्स का यूज नहीं करना है। पैराथ्रॉइड्स जो है ये भी क्या है, ऑप्टेन होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह से, ठीक है। मिथाइल पैराथियोन, ठीक है, क्विनलफॉस, ठीक है, इसको रिकमेंड किया जाता है, और रिकमेंडेशन जो है केमिकल फर्टिलाइजर का है, उसका जो यूज करना है हमें वो रिकमेंडेड डोज में करना है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड बेस्ड ऑन ETL, ठीक है, जब तक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल नहीं है तब तक हमें इंसेक्टिसाइड्स को यूज नहीं करना है, ठीक है। ये जो है आईपीएम है हमारा राइस का। आई होप बच्चे आपको पूरा राइस क्रॉप जो कि पेस्ट, उनके आईपीएम मैनेजमेंट, उनको कैसे पहचानना है, उनके डैमेज सिम्टम्स क्या हैं, जितने भी पेस्ट हमने जानने थे राइस में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपको इस लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, ठीक है। आई होप बच्चे आप सारा कुछ समझ रहे हो। अगर किसी को भी कुछ दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप आके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब फॉलो कर लो ताकि आपको यहाँ पे हमारी क्विजेज और अपडेट जो है चैनल के रिगार्डिंग वो मिलती रहे। साथ साथ आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हो, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने मिला है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ठीक है। तो और एक चीज़ और है कि अगर किसी को भी इस लेक्चर की PPT चाहिए या फिर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे मैंने साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। आप जनरली टेलीग्राम ऐप में सर्च करोगे गो फॉर एग्रीकल्चर तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे 450+ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।